रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्निक। ये क्या है? रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्निक इज एन अप्रोच टू डिजाइन रिसोर्स कंजर्वेशन एग्रीकल्चर सिस्टम एंड सिक्स टू कंजर्व, इम्प्रूव एंड मेक मोर एफिशियंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ सॉयल, वाटर, क्रॉप्स एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इन कॉम्बिनेशन विद सेलेक्टेड एक्सटर्नल इनपुट्स। ठीक है, इसका जरूरत क्या पड़ा? पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन, जब ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या बना था कि न्यूट्रिएंट रेस्पॉन्सिव वेराइटीज़, जो कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ज़्यादा यूज हुआ, उसमें हम फर्टिलाइजर इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया, फिर प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या था कि मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गया, फिर यील्ड स्टैग्नेशन हो गया, डिक्रीज पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी, वाटर टेबल। सो दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी। सो टू सस्टेन द सिस्टम, वी प्रैक्टिस कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, दीज आर द सॉल्यूशंस। ठीक है, ये सॉल्यूशन में क्या क्या आता है? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में जैसे प्रिंसिपल हो गया सॉयल कवर, मिनिमम सॉयल डिस्टर्बेंस, क्रॉप रोटेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्निक में जीरो टिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, जैसे कि हैप्पी सीडर हो गया। ठीक है, FIRB, फोर इरिगेटेड रेज बेड हो गया, लेजर लैंड लेबलिंग। ठीक, उसके बाद रोटरी टिलेज हो गया, श्री सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, LCC लीफ कलर चार्ट का यूज हो गया, INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन सिस्टम, IPNS ड्रिप क्रॉपिंग, मल्चिंग। दीज आर सम रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्निक्स।